हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज डे नंबर टू है मेरे भाई, डे नंबर टू कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, ये चैलेंज है मेरे भाई। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आ गया, चाहे आप कैसे CMTS, CPA, CHSL, CGL किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, CTO, MTS किसी की भी भाई, चाहे आपके किसी रेलवे, पुलिस, SI, कॉन्स्टेबल, इससे बाहर बायोलॉजी कुछ भी नहीं आएगा। और मैं बहुत ही कम टाइम में आपको सारा कंप्लीट करवाऊंगा। और एक चीज़ और बता दूं मेरे भाई, ये जो 5 मिनट के लेक्चर होंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो अपने आप को तोप समझते हैं ना भाई, ये क्लास बेसिकली वीक बच्चों के लिए है, और जो तोप समझते हैं वो भी देख सकते हैं। बस यही बोलेंगे कि ध्यान से देख के इसको नोट्स कर लो, और नोट डाउन नहीं करना चाहते हो तो भाई मैं PDF आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम पर जुड़ जाना, और लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं सेशन, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सेल वाल की। देखो, कल मैंने आपको पढ़ाया था क्या, कल मैंने आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन तक कंप्लीट करवा दिया था, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताया था, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन क्या होता है, सेल का डेड सेल, लिविंग सेल किसने करवाया था, वो सारे बता दिए थे। आज स्टार्ट करते हैं आपके उससे आगे टॉपिक सेल वाल। देखो भाई, सेल वाल आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है, किसके प्लांट्स में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया और फंगल सेल। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, पेपर में सीधा जो आता है ना वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो वनली इन प्लांट सेल, बैक्टीरियल और फंगल सेल में पाया जाता है। आपके आप पूछोगे कि एनिमल सेल में ही पाया जाता है, तो आपके सेल वाल जो है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट में आपके होते हैं सेलिलोज, ठीक है ना, तो आपको सेल वाल को सेलिलोज बोलते हैं। बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया में आपको पेप्टीग्लाइकोइन बोलते हैं, जिसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछेगा। फंगस को बोलते हैं काइटिन, ठीक है ना, फंगस में क्या बोलते हैं, काइटिन। अब आगे बात करते हैं फंक्शन की बात करते हैं, तो इट क्या प्रोवाइड करता है, सेप प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड सेप, और क्या होता है, फ्री पेरिएबल होता है, सेल वाल जो है फ्री पेरिएबल होता है, और आपका सेप प्रोवाइड करता है। अब आगे चलते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था, पेपर में सीधा यही पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप सब जानते हो न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर ऑफ क्या, किसी भी स्ट्रक्चर का सेंटर होता है, ये आप जानते हो। तो न्यूक्लियस की बात करते हैं, डिस्कवरी किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ये चीज़ पता होना चाहिए आपको, पेपर में पूछा गया है। और आपके न्यूक्लियर में क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप होते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म होते हैं। देखो, न्यूक्लियर प्लाज्म जो होते हैं वो क्रोमेटिन का बना होता है, क्रोमेटिन मटेरियल मतलब क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल का बना होता है, और न्यूक्लियोलस का बना होता है, ठीक है। आप देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि क्रोमेटिन मटेरियल सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, सेल डिवीजन मतलब तो क्रोमोजोम्स, ठीक है। क्रोमोजोम्स कितने होते हैं, 46 पेयर करते हैं, और क्रोमोजोम्स बनते किसके, DNA और प्रोटीन के बनते हैं, जो कि आपका ना फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन है, जीन की फंक्शनल यूनिट है। तो हमें याद रखना है न्यूक्लियोप्लाज्म जो है क्रोमेटिक मटेरियल है, और न्यूक्लियोलस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, उससे क्रोमोजोम बनता है, जानते हो कितना, 46 होते हैं, 23 पेयर होते हैं, ये चीज़ जानते हो। जो क्रोमोजोम बना किससे, DNA और प्रोटीन से, जो कि एक फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन है। उसके बाद आपके पेपर में पूछा जाता है क्रोमोजोम का डिस्कवरी किसने किया था, तो आपको याद रखना है क्रोमोजोम का डिस्कवरी जो है वाल्टर फ्लेमिंग 1882 में किए थे, कौन, वाल्टर फ्लेमिंग 1882 में। उसके बाद DNA की डिस्कवरी की बात करते हैं, तो DNA की डिस्कवरी मॉलिक्यूल्स की किसने की थी, फ्रेडरिच मीचर ने, किसने, फ्रेडरिच मीचर ने। और DNA की, DNA जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल्स के रूप में आपके फ्रेडरिच मीचर ने की थी, और DNA जो है डबल हेलिक स्ट्रक्चर है, इसको किसने बताया, तो वाटसन एंड क्रीक ने बताया 1953 में, ठीक है, वाटसन एंड क्रीक 1953 में DNA मॉलिक्यूल से पूछे, तो फ्रेडरिच मीचर हो जाएगा। और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वाटसन क्रीक बताया था 1953 में, इस बात को आया था। आपके इसमें आते हैं क्रोमोजोम के कितने पेयर होते हैं, उसके बाद आपके क्रोमोजोम की डिस्कवरी कौन किया था, वाल्टर फ्लेमिंग, ये आपको ध्यान रखने हैं। DNA के फ्रेडरिच मीचर, मॉलिक्यूल्स के रूप में, हेलिक्स स्ट्रक्चर के वाटसन एंड क्रीक, इतने आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। और एक और चीज़, DNA किस चीज़ का, आपका क्रोमोजोम किस चीज़ का बना होता है, DNA एंड प्रोटीन, इसको याद रखना है, 23 पेयर को होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अब आगे आपके आते हैं साइटोप्लाज्म, जो पेपर में लगातार पूछे गए हैं, साइटोप्लाज्म होते क्या है, तो साइटोप्लाज्म जो होता है फ्लूइड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड के बीच में का जो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, उसी को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी चीज़ आप समझ लो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में, जितने भी पढ़ा रहा हूँ ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बहुत एक्स्ट्रा बायोलॉजी पढ़ते ना, कुछ भी फायदा नहीं मेरे भाई, इतना पढ़ो सीधा सीधा पेपर में ठोक दोगे। अब जो पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनिल्स में, उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आपके SSC का सबसे फेवरेट है, समझ लो।
अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड सीट्स, ट्यूब्स और सीट्स का लार्ज नेटवर्क को बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कंपोनेंट किससे बना होता है? तो विसल्स एंड लॉन्ग ट्यूबल्स बनाता है। ऑब्वियस सी बात है, लॉन्ग नेटवर्क अगर ट्यूब से है तो ट्यूब से ही बनेगा भाई, ठीक है। उसका तो फंक्शन इसका क्या है? फंक्शन इसका ट्रांसपोर्ट करना है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करना। देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके टू टाइप्स के होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ की बात करते हैं तो रफ जो होता है आपके राइबोसोम मतलब प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, इम्पॉर्टेंट है रफ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपकी आपके सीधा सीधा पूछा गया है फेज 12 के एग्जाम 2024 में। तो याद रखना रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है ना। वो क्या है? राइबोसोम है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है रफ इंडोप्लाज्मिक। वही स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछा गया था फेज 12 में, जो कि क्या होता है फैट और लिपिड को सिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना। रफ राइबोसोम जिसे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, इस स्मूथ से क्या होता है फैट और लिपिड सिंथेसाइज होता है। ये तो काम करते हैं साथ के साथ ईट डिऑक्सीफाइड पॉइजंस एंड ड्रग्स। स्मूथ वाले लोग पॉइजंस और ड्रग्स को क्या करते हैं? डिटॉक्सिफाई करते हैं, फैट्स और लिपिड को सिंथेसाइज करते हैं। और रफ वाले जो होते क्या है राइबोसोम को सिंथेसाइज करते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज राइबोसोम में होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को भी ध्यान रखना मेरे भाई। आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, डे नंबर 2 है। ये स्मूथ और रफ तो इतने ज़्यादा है ना, रफ मतलब कि राइबोसोम प्रोटीन, स्मूथ स्मूथ मतलब क्या हो जाएगा आपके फैट और लिपिड्स, डिऑक्सीफाई करता है पॉइजन और ड्रग्स को। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यूज़ किया क्या किस में किया जाता है? ट्रांसपोर्ट में। यहाँ से एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो सारे भाई नोट्स बनाओ, बनाना है बनाओ, नहीं बनाने का मन है चुपचाप टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और एक और चीज़ बात मेरे भाई, वहीं पर आपको PDF मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। बाकी जो जो चैनल पर नए जुड़ते जाएंगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। SSC का एग्ज़ाम फोड़ोगे ना, बस इतना ही करना भाई। बायोलॉजी में एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है।